अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैथ की ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का वेलकम है। लास्ट क्लास में हमने मैथ्स में एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट की थी। आज एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सभी बच्चे अपनी मैथ्स की कॉपीज़ और बुक्स ओपन कर लीजिए। बुक में है पेज नंबर 121, यानी पेज नंबर 121 पर है एक्सरसाइज 6.3। चलिए समझते हैं कि इसमें क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन एक्स इन द फॉलोइंग डायग्राम्स। यहाँ आपको डायग्राम्स दिए गए हैं, ये ट्राइंगल्स दिए गए हैं और इसमें आपको दो एंगल्स दिए गए हैं और तीसरा एंगल आपको फाइंड आउट करना है। यानी सब अगर आप 6 के 6 डायग्राम्स में देखेंगे तो हर डायग्राम में आपको, हर फिगर में एक्स दिखेगा आपको और आपको एक्स की वैल्यू पता लगानी है। तो कॉपी में आपको एक्सरसाइज 6.3 मेंशन करनी है, आज की डेट मेंशन करनी है यहाँ पर, और नीचे क्वेश्चन नंबर 1 आपको खुद लिखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपको जो ट्रायंगल दिया गया है वो इस तरीके से दिया गया है। इसमें दो एंगल्स आपको दिए गए हैं और एक एक्स आपको पता लगाना है। और जो एंगल दिए गए हैं वो कौन कौन से दिए गए हैं, ये बेस एंगल दिए गए हैं। एक है 50 डिग्री का और है दूसरा 60 डिग्री का। ये जो ऊपर एक्स है ये आपको पता लगाना है कि यहाँ पर कौन सा एंगल है। और मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में ही बताया था कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आंसर में लिखेंगे सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यानी इन तीनों एंगल्स का, ये जो अंदर वाले जो तीनों एंगल्स हैं, इनका सम बराबर कितना है, 180 डिग्री के बराबर है। तो स्टार्ट करेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी, ये जो ए बी सी ट्राइंगल है इसमें अगर हमने इसको एंगल 1 मान लिया, इसको एंगल 2 और इसको एंगल 3 मान लिया, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू कितना है, 180 डिग्री के बराबर। तो एंगल 1 कितना है, 50 डिग्री, एंगल 2 कितना है, 60 डिग्री और एंगल 3 क्या है, एक्स। तीनों किसके बराबर हैं, 180 डिग्री के बराबर हैं। 50 में 60 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 110 डिग्री, प्लस एक्स एज इट इज़ आ जाएगा। 180 डिग्री भी आप एज इट इज़ रखेंगे। अब क्या करना है, एक्स को यहीं रखेंगे और ये जो 110 डिग्री है ये लेफ्ट हैंड साइड से जब राइट हैंड साइड पे जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, जब आप माइनस करेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 70 डिग्री। यानी ये जो अननोन एंगल है ट्राइंगल के अंदर वो कितने डिग्री का है, 70 डिग्री का है एंगल। बस यही करना था, ये हो गया कंप्लीट। अब करेंगे सेकंड पार्ट में जो आपको फिगर दी गई है वो इस तरीके से दी गई है, ऐसे ऐसे और ये आपस में दोनों जॉइन हैं। इसमें भी आपको दो एंगल्स दिए गए हैं और आपको तीसरा एंगल फाइंड आउट करना है। ये इस तरीके से दिया गया है, आप देखकर ही बता सकते हैं कि ये 90 डिग्री है ना। और ये वाला एंगल दिया गया है ऊपर वाला है 30 डिग्री और नीचे वाला आपको एक्स जो है वो निकालना है। अब एंगल का क्या करेंगे, नाम रख लेंगे, एंगल 1, 2 और ये है एंगल 3 और ट्राइंगल है पी क्यू और आर। जैसे ऊपर किया था सेम ऐसे ही नीचे भी करना है। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो इन ट्राइंगल पी क्यू आर, अब पी क्यू आर ट्राइंगल में एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 किसके बराबर है, 180 डिग्री के बराबर है। अब एंगल 1 क्या है, एंगल 1 है x, एंगल 2 है 30 डिग्री,
और एंगल 3 है 90 डिग्री का, और 180 डिग्री एज इट इज़ रखेंगे। अब क्या करना है, एक्स एज इट इज़ उतार लेंगे, 90 में 30 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 120 डिग्री, 180 डिग्री एज इट इज़ आएगा नीचे। अब क्या करेंगे, एक्स यहीं पर रहेगा और ये जो 120 डिग्री है राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आ गई है 60 डिग्री। यानी ये जो अननोन एंगल हमें नहीं पता था, जो हमसे पूछा गया था, इसकी वैल्यू आई है 60 डिग्री। इजी है ना। आप करेंगे नेक्स्ट थर्ड, इसमें आपको जो फिगर दी गई है वो इस तरीके से दी गई है, ऐसे ट्राइंगल दिया गया है आपको, और ट्राइंगल है इस बार एक्स वाई और जेड, और जो दो एंगल्स आपको दिए गए हैं वो है 30 डिग्री का आपको दिया गया है और 110 डिग्री का आपको एंगल, यानी ये दो एंगल्स आपको दिए गए हैं और ये जो जेड है ना, ये वाला एंगल आपको निकालना है। इनके नेमिंग कर लीजिए, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड एंगल है ना। अब क्या करना है, जो पहले किया था वही करना है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड में आप देखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू है 180 डिग्री के। अब एंगल 1 कितना है 30 डिग्री, एंगल 2 कितना है 110 डिग्री, एंगल 3 कितना है एक्स, ये हमें पता लगाना है, बराबर किसके हैं, ये तीनों 180 डिग्री के बराबर हैं। प्रॉपर्टी क्या लगी है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स मिलाकर कितने होने चाहिए 180 डिग्री है ना। तो 30 डिग्री प्लस 110 डिग्री करेंगे तो कितना आएगा 140 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब क्या करेंगे, एक्स यहीं रहेगा, ये प्लस का 140 डिग्री जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री, एक्स की वैल्यू कितनी आई है 40 डिग्री। तो ये जो अननोन एंगल हमें नहीं पता था एंगल 3, ये कितना आया है 40 डिग्री, बस यही करना था, ये तो पता लगाना था। अब करेंगे फोर्थ वाला पार्ट, फोर्थ पार्ट में ट्राइंगल दिया गया है कुछ इस तरीके से, और इसमें आपको दो एंगल्स दिए गए हैं सेम जैसे ऊपर दिए गए हैं, और थर्ड एंगल आपको पता लगाना है कि वो कौन सा है, तो ये है एक्स, ये आपको फाइंड आउट करना है, ये है 50 डिग्री और ये वाला एंगल भी है एक्स। अब आप देखिए दो एंगल एक्स आपको दिए गए हैं और तीसरा जो थर्ड एंगल है वो आपको दिया गया है, ये दो एक्स है, दोनों एंगल आपको पता लगाने हैं और सिर्फ एक आपको दिया गया है 50 डिग्री। अब इसकी नेमिंग कर लीजिए ए बी और सी, ये है एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3। तो क्या करेंगे, सबसे पहले सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री इन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू कितना है 180 डिग्री, तीनों एंगल किसके बराबर हैं 180 डिग्री के बराबर हैं। एंगल 1 हमें पता है 50 डिग्री, एंगल 2 है एक्स और एंगल 3 भी कितना है एक्स है, और तीनों किसके बराबर हैं 180 डिग्री के बराबर। अब ये 50 डिग्री एज इट इज़ आ जाएगा, एक्स और एक्स कितने हो गए 2x हो जाएंगे है ना, और ये है 180 डिग्री। अब क्या करेंगे, 2x रहेगा एज इट इज़, ये 180 में से माइनस करेंगे 50 डिग्री तो कितना आएगा
130 डिग्री। अब x की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो क्या करेंगे, 130 में से 2 को डिवाइड कर देंगे, है ना। जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 6 12 और 2 5 10, तो x की वैल्यू क्या आई है, 65 डिग्री। x की वैल्यू क्या आई है, x की वैल्यू आ गई है 65 डिग्री, यानी वो दोनों एंगल जो x x थे ये वाले, ये दोनों 65 डिग्री के, ये वाला भी 65 का है और ये वाला भी 65 का है। अब है नेक्स्ट फिफ्थ वाला पार्ट। इसमें आपको जो फिगर दी गई है, यानी जो ट्राइंगल दिया गया है, वो कुछ इस तरीके से दिया गया है, और अगर आप इस ट्राइंगल में देखेंगे तो इस ट्राइंगल की कोई भी साइड आपको नहीं दी गई है, यानी कि कोई भी एंगल आपको बताया नहीं गया है, आपको तीनों एंगल्स खुद निकालने हैं। ये वाला एंगल भी x है, ये वाला एंगल भी x है और ये वाला एंगल भी x है। 1 2 3 तीनों में से एक भी एंगल आपको नहीं पता, आपको तीनों निकालने हैं। लेकिन आपको क्या पता है, आपको ये पता है कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, आपको सिर्फ ये पता है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 किसके बराबर हो गए, 180 डिग्री के। एंगल 1 भी x है, एंगल 2 भी x है और एंगल 3 भी x है, तीनों किसके बराबर है, 180 डिग्री के बराबर। जब आप इनको प्लस करेंगे तो 3x हो जाएगा, और ये तीनों किसके बराबर है, 180 के बराबर। अब आप क्या करेंगे, ये 3 नीचे मल्टीप्लाई से जब ट्रांसपोज होगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 3। जब आप इसको कट करेंगे तो क्या आएगा, 60 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या आई है, 60 डिग्री, यानी ये जो तीनों एंगल्स हमें नहीं पता है ये 60 डिग्री के हैं, 60 प्लस 60 प्लस 60। तो इससे आपको क्या पता लगा कि ये कौन सा ट्राइंगल है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। कौन सा ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, क्योंकि इसके तीनों एंगल्स बराबर हैं, तीनों एंगल 60 डिग्री के हैं और इसकी साइड्स भी तीनों बराबर होंगी, है ना। अब नेक्स्ट है सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन में आपको जो फिगर दी गई है वो इस तरीके से दी गई है, ऐसे ट्राइंगल है, और इसमें आपको जो एंगल्स दिए गए हैं, ये देखिए ये ट्राइंगल है, ये ऊपर वाला एंगल जो है वो 2x है और ये साइड वाला एंगल जो है ये x है, और ये आपको नहीं बताया गया है, लेकिन अगर आप ये डायग्राम देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि इसका मतलब होता है 90 डिग्री, स्ट्रेट है ना ये, तो ये कौन सा एंगल है, ये है 90 डिग्री का एंगल, है ना। अब आपको और भी कुछ पता है, और वो क्या पता है कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर। अब ये है एंगल 1, ये है एंगल 2 और ये है एंगल 3, तो क्या करेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल 1 कितना है, x, एंगल 2 कितना है, 2x, एंगल 3 कितना है, 90 डिग्री, और ये तीनों किसके बराबर है, 180 डिग्री के बराबर है। अब x प्लस 2x कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, और 90 का एज इट इज़ 90 डिग्री आ जाएगा। अब क्या करेंगे, 3x यहीं पर रहेगा और ये 90 जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। जब 180 डिग्री में से अब 90 डिग्री को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 90 डिग्री आ जाएगा, है ना। अब क्या करेंगे, ये जो 3x है, x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 3। जब आप इसको काटेंगे तो x की वैल्यू आएगी 30 डिग्री, कितनी आएगी, 30 डिग्री, यानी 30 डिग्री। तो इसका मतलब एंगल 1 कितना था, एंगल 1 था x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री, और एंगल 2 कितना था, 2x, तो एंगल 2 कितना आया,
2 मल्टीप्लाई 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, एंगल 2 आया है 60 डिग्री, है ना। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया है, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। करना जब आप इसको करेंगे आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा, और डायग्राम आपको नीट एंड क्लीन बनाने हैं, काम भी आपको अच्छा करना है। चलिए नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।